दोस्तों ऐसे न जाने कितने ही कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को देखा जाए तो पूरे साल बेशक से किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्यादा एडमिशंस ना हो, बट जैसे ही वैकेंसी आती है किसी भी कोर्स की और जब उस कोर्स की डिमांड की जाती है, उस कोर्स की एकदम से डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि डिस्टेंस में बहुत सारे एडमिशंस हो जाते हैं और साथ में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे एडमिशंस हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को PGDCA जैसे कोर्सेज को चलाने के लिए कोई खास अप्रूवल की जरूरत पड़ती नहीं है। बट PGDCA क्योंकि एक साल का कोर्स है, छोटा कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद में ही कोर्स होता है, बट इसकी डिमांड बहुत है। आप अगर देखोगे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होने की वजह से PGDCA की डिमांड बढ़ती है जब भी वैकेंसीज आती हैं, और वैकेंसीज के साथ साथ ही इसकी डिमांड के साथ साथ ही DCA और PGDCA दोनों की ही डिमांड बढ़ जाती है। आज PGDCA के बारे में काफी कुछ बताऊंगा अपनी इस वीडियो में, क्या एलिजिबिलिटी होती है, फीस कितनी होती है, अच्छे कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस से करें या रेगुलर से। ऐसे जितने भी सवाल अभी तक आपने पूछे हैं हम लोगों की वीडियोस में कमेंट करके या व्हाट्सएप करके, आज उन सभी का आपको जवाब मिलेगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए PGDCA के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बोर्ड के बारे में। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे दूसरे चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया पर जाकर आप देखें, और इस चैनल पर सभी कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी जितने भी कोर्सेज इंडिया या अब्रॉड से कराए जाते हैं। दोस्तों PGDCA कोर्स क्या है? PGDCA एक डिप्लोमा कोर्स है जो एक साल का कोर्स होता है। उससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, जिसमें हमने बताया कि PGDCA और DCA में डिफरेंस क्या होता है, क्या मेजर डिफरेंस है दोनों कोर्सेज में, क्योंकि दोनों कोर्सेज एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही दोनों कोर्सेज चलते हैं। वो आप वीडियो देखेंगे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। PGDCA एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स, मैं बिल्कुल इसको बोल सकता हूं क्योंकि एक साल का कोर्स है और जो भी कंप्यूटिंग की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें इसकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और उसी के रिलेटेड ही इसकी वैकेंसीज भी आती हैं। PGDCA की कंप्लीट फॉर्म क्या होती है? कंप्लीट फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इसकी। कहां से करना चाहिए आपको इस कोर्स को, पर उससे पहले आप ये जानिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों आपने अपनी ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम में, आपने अपनी बीए की है, बीकॉम की है, बीएससी की है, किसी भी स्ट्रीम में, मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, इसके लिए मास्टर्स की जरूरत आपको नहीं है। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो अब आप एक साल का PGDCA कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वहां जहां दूसरी और DCA की बात करें तो वो 12th के बाद एक साल का कोर्स होता है, वो भी एक साल का है, वो भी सेमेस्टर मोड है, और यहां ये भी ग्रेजुएशन मतलब कि PGDCA भी ग्रेजुएशन के बाद कोर्स कराया जाता है, ये भी दो सेमेस्टर मोड पे होता है, मतलब एक साल का कोर्स है, सेमेस्टर मोड पे इसके एग्जाम्स होते हैं, दो सेमेस्टर के आपको एग्जाम्स देने होते हैं, दो सेमेस्टर की पढ़ाई आपको करनी होती है PGDCA कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, या किसी भी बोर्ड के बारे में आप जानना चाहते हो, फिर चाहे वो नेशनल हो, मतलब हिंदुस्तान में जो बोर्ड चलते हैं, यूनिवर्सिटीज चलती हैं, कॉलेजेस चलते हैं, या फिर अब्रॉड का हो, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, विदेश में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन सभी की जो डिटेल्ड वीडियोज है वो सभी वीडियोज आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर काउंसलिंग इंडिया पर सिर्फ आपको कोर्सेज पर बनी हुई वीडियो मिलेंगी, जो कोर्सेज इंडिया में कराए जाते हैं या फिर आप अब्रॉड करने के लिए जाते हैं, और आप अभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आती हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बोर्ड्स पर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस कोर्स के रिलेटेड आपको एक बात बहुत अच्छे से जाननी चाहिए, एक साल का कोर्स है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। दोस्तों कंप्यूटिंग जो कोर्स होते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा निर्भर करता है आपके अंदर नॉलेज कितनी है, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है, एक प्रैक्टिकल कोर्स है, जब तक आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे आप कुछ करेंगे नहीं, आपको कुछ आता नहीं, तब तक इस PGDCA जैसे कोर्स की कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों PGDCA कोर्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए प्राइवेट नौकरी में आप कभी नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर PGDCA की डिग्री आपसे कोई नहीं मांगेगा, वहां देखेंगे आपको नॉलेज कितनी है। एजुकेशन से रिलेटेड मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोर्स है, डिस्टेंस में करो या रेगुलर में करो, दोनों ही तरह से आप इस कोर्स को कर सकते हो।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिस्टेंस में करवाती हैं, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती हैं, रेगुलर कोर्स करवाती हैं। मेरा मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस बीइंग एन एजुकेशन एक्टिविस्ट, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रेगुलर इस कोर्स को करें, मतलब कि एक साल का कोर्स किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट कर लें। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो एक बात अलग है, आप डिस्टेंस से करेंगे, वरना आप ये किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लें, क्योंकि ये एक रेगुलर कोर्स है और क्योंकि एक टेक्निकल कोर्स है। इसमें कुछ टेक्निकल बातें आप जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इसीलिए ये कोर्स आपको रेगुलर वे में करना चाहिए। जैसे जितने भी कोर्सेज होते हैं जहां कुछ आप प्रैक्टिकल सीखते हैं, उन सभी कोर्सेज को कराने के लिए इसीलिए काउंसिल बॉडीज बनाई गई हैं, इसीलिए सभी को बोला गया कि काउंसलिंग कोर्सेज जो होते हैं उनकी स्पेशल तरीके से एक यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेनी पड़ती है। मतलब कि जब एक यूनिवर्सिटी बनती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो जब यूनिवर्सिटी बनी तो अपने प्रपोजल में मेंशन करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेगी, सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, यूजी कोर्सेज, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, रिसर्च वर्क, सभी ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाना चाहती है करवा सकती है। पर जो कोर्सेज काउंसिल से रिलेटेड होते हैं उनके लिए इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी उस काउंसिल बॉडी के पास जाना पड़ता है, काउंसलिंग का अप्रूवल लेना पड़ता है। बट PGDCA को ऐसी किसी भी काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती, इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इस कोर्स में एडमिशन ले सकती है और डायरेक्ट रूप से आपके कोर्स को करा सकती है। अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि आप एडमिशन कैसे लेंगे? एडमिशन लेना चाहते हैं PGDCA में तो क्या आपका एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा या मेरिट लिस्ट से नाम आएगा? ज्यादातर यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन ही लेती हैं। किसी भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई अलग से एंट्रेंस देने की आपको जरूरत नहीं। और क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो 365 दिन एडमिशन चलते रहते हैं, आप जब भी अगर जाएंगे तो इजीली एडमिशन आपका हो जाएगा। PGDCA कोर्स खास उस लेवल के कोर्स का नहीं होता जिसमें कि एक लिमिटेड सीट्स होती हैं और आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन आसानी से आपका हो जाएगा, रेगुलर करें या डिस्टेंस करें दोनों तरीके से अवेलेबल होता है। दोस्तों अब हम बात करें कि PGDCA कोर्स करने के लिए कितनी फीस आपको देनी होगी, मतलब कि PGDCA कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे PGDCA के लिए तो फीस आपकी 15,000 से लेकर 35,000 के बीच में एडमिशन फीस हो सकती है, जो एक साल की फीस होती है। ज्यादा भी होती है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट आप किसी भी डिस्टेंस में, अगर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डिस्टेंस में इस कोर्स को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आराम से 10 से 20,000 के बीच में आपका ये कोर्स हो सकता है। इतना ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, आसानी से आप फी पे कर सकते हैं और चाहे तो 2 semester में भी फीस पे कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज का सेम नहीं होता, काफी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग सिलेबस होता है PGDCA का। ऐसा कोई खास सिलेबस नहीं होता कि सबका कॉमन रखा जाए, अलग अलग तरह से सिलेबस होता है और सब डिपेंड करता है एडमिशन का वैकेंसी टू वैकेंसी। जब वैकेंसीज आती हैं तभी इस कोर्स को बहुत ज़्यादा करने के लिए होड़ लग जाती है स्टूडेंट्स के बीच में, उससे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस कोर्स को नहीं करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ PGDCA से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके दिल में थे, सब डाउट्स के और सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सजेस्ट भी साथ में आप करें अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएं, किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज या किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन की हर अपडेट से अपडेट रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।